27 साल संपूर्ण रामलीला डिजिटल के माध्यम से कम समय में पूरा रामलीला जानते हैं जनकपुरी। हमारे साथ हैं बात करने के लिए नरेंद्र चावला जी, जो कि यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के निवासी, निगम पार्षद के रूप में, मेयर के रूप में विभिन्न पदों से इन्हें नवाजा गया, लेकिन ये 27 सालों से संपूर्ण रामलीला कथा आप बताए। ये देश की सर्वश्रेष्ठ रामलीला है। संपूर्ण रामलीला का मंचन हम पिछले 27 वर्षों से जनकपुरी के दुशहरा ग्राउंड जनकपुरी में करते हैं। लगभग 150 कलाकार इसमें भाग लेते हैं। ये मन में विचार आया कि लोगों के पास आज भाग दौड़ की जिंदगी में समय नहीं है कि वो रोज जाकर के रामलीला देख पाए, इसलिए राम जन्म से लेकर के भरत मिलाप और फिर सीता के अग्नि परीक्षा तक का वर्णन हम यहाँ विभिन्न स्टेजों पर यहाँ मंचन करते हैं और इसको देखते ही बनता है। अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, साउंड ट्रैक का इस्तेमाल करके, लाइनर साउंड और उसकी मैपिंग करके और पीछे उसमें LED स्क्रीन्स लगा करके और उनकी बैठने की सुंदर व्यवस्था लोगों की, दर्शकों की हो, उनको दिखा करके हम चाहते हैं कि नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा, ये सब इसको देखें। आज राम के जीवन पर आधारित उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास हम कर रहे हैं, जो कि राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की लीलाओं के माध्यम से हम दिखाते हैं, ताकि लोग उससे प्रभावित हों, उनका अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, ताकि भगवान राम का यहाँ राम राज्य असल में स्थापित हो सके, ये मन की इच्छा है। कितने किरदार इसमें भाग लेते हैं और कितनी किस वजह से ये आयोजन, जैसे मैंने बोला है, लगभग 150 के करीब कलाकार होते हैं इसमें। लाइट्स में लोग एक्सपर्ट्स काम करते हैं, कॉस्ट्यूम में काम करते हैं, स्टेज के लिए एक एक्सपर्ट टीम अलग से काम करती है, बैक स्टेज पे काम करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और इस सब को बनाने के लिए लोग काम करते हैं। लगभग 150 के करीब ये पूरी टीम रहती है और इसकी लगभग एक महीना पहले से 6 घंटे डेली प्रतिदिन रिहर्सल होती है गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा में, 3 बजे से लेकर 9 बजे तक, जो आजकल कार्यरत है, और उससे फिर प्रभावित होकर के और उससे एक्सपर्ट होकर के ये स्टेज पर के इसका मंचन होता है। और हमारे डायरेक्टर रहे प्रेम मटियानी जी, जो सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन के डायरेक्टर थे, NST से थे और राष्ट्रपति से उनको सम्मानित किया गया था। ऐसी रचनाकार को हम प्रणाम करते हैं। पूरे रिसर्च करके इसके पूरे इसको पूरा इसको बनाया गया है और ये एक सुंदर प्रस्तुति आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। हालांकि इससे प्रभावित होकर और भी लोग अभी इस तरह का आयोजन, मुझे पता चला है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। और लेकिन ये एक अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है और इसको हर बार लगभग जब भी कोई कंपटीशन होता है इसको प्रथम पुरस्कार मिला है, चाहे वो नवभारत टाइम्स हो, ABP न्यूज़ हो, संस्कार चैनल हो या और भी ऐसे सभी रेडियो मिर्ची हो, ऐसे चैनल्स ने और लोगों ने, मीडिया के लोगों ने इसको बहुत सराहा है। इसमें बहुत सारे साधु, संत, महात्मा, आचार्य, महामंडलेश्वर और शंकराचार्य जी, देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाल कृष्ण अडवाणी जी, वाइस प्रेसिडेंट मोहन अपना जो है भैरव सिंह शेखावत जी, ये सब इस लीला का अवलोकन करने के लिए यहाँ पधार चुके हैं और हम इसमें बहुत सारे लोगों को यहाँ बुलाते हैं और उनको अतिथि के तौर पर भी बुलाते हैं और उन सबको, और ये कोई राजनीतिक का अखाड़ा नहीं है, मैदान नहीं है, हम सबको आमंत्रित करते हैं कि वो आए और प्रभु राम की इस लीला को देखें, अवलोकन करें, अपने जीवन में उस आदर्श को उतारें। जनकपुरी और दिल्ली के तो लोग आ जाते हैं,